द बोल्ड वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजमीन। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कश्मीर के जिला अनंतनाग के कप्रान वैरीनाग इलाके के एक गांव में जबरदस्त आग की बरसात पेश आई है। 3 रिहायशी मकान और एक मस्जिद आग की जद में आए हैं, जबकि 2 गौशाला भी जलकर राख हुए हैं। मौके पर बचाव कार्रवाइयां जारी है। कोरियत के मरहूम लीडर सैफ अली शाह गिलानी का रिहायशी मकान टेरर फंडिंग मामले में अटैच हो सकता है। जराये के मुताबिक अंदेशा लगाया जा रहा है कि शबीर शाह के मकान का अटैच होने के बाद गिलानी का घर भी अटैच हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत बन रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का इलू चल रहा है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बाकी की हेडलाइन। जीडी गोयनका टॉडलर हाउस चन्नी हिम्मत जम्मू। अ टॉडलर वर्ल्ड में क्रिएटिव माइंड्स वर्क टुगेदर। द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्ले स्कूल। सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट। स्पेशियस प्ले एरिया। एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स विद कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट। Experienced staff and best curriculum. So enroll your child for best future. Admissions are open. Contact GD Goenka, house number 81B, Sector 5, Channi Himmat, Surya Chowk, Jammu. For more details, contact 9622863434. GD Goenka Toddler House is in Channi Himmat, Sector 5. We are focusing on grooming and social skills of children. The classrooms are air conditioned and spacious. Having well-qualified, dedicated and caring staff towards kids. Transport facility is also available here. Ideal student-teacher ratio is here. Admissions are open. You can enroll your child. Break के बाद एक मर्तबा फिर से आपका स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कनाडा फिल्म का म्यूजिक इस्तेमाल करने पर बेंगलोर में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वाजा रहे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हाथों से पूरे मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा मुख्तलिफ शहरों में निकाल रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में अभी भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अभी भी टीम के सेमीफाइनल में पहुँचने का रास्ता खुला मगर ये बहुत मुश्किल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 7 नवंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम खराब हो सकता है। आने वाले 2 दिन बेहतर मैदान इलाकों में बारिश और बलाय इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे